अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। द टर्म कंप्यूटर इज डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ द चार्ल्स बेबैक। मैं तो इसको चार्ल्स बाबा जी ही पढ़ती हूँ, आप लोग जो मर्जी पढ़ें। चार्ल्स बेबैक इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबा जी। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, वो आर्थमेटिक ऑपरेशन भी होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन भी होता है, एक इनपुट ऑपरेशन होता है, एक आउटपुट ऑपरेशन होता है। मीन्स कि पांच बेसिक ऑपरेशन होते हैं, आर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज रिलेटिव इनपुट ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन, तो ऑल ऑफ अबव। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? विंट कर्फ, या फिर कह लें, या फिर सर्फ कह लें, जो आपकी मर्जी। विंट कर्फ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, जैसे आपको याद हो जाए। इफ़ द कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर इज़ नोन एज द मल्टी प्रोसेसर। कंप्यूटर अगर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा तो मल्टी प्रोसेसर होगा। WWW स्टैंड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम डेट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है तमाम ऑपरेशन को, तो हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। वट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कमांड लाइन इंटरफेयर है, कमांड लाइन इंटरफेस। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन अ कम्पैक्ट डिस्क? कम्पैक्ट डिस्क में हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। गेगा बाइट इज इक्वल टू दो इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। गेगा बाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। इस ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर हमारे पास CPU आ जाता है, और CPU जो होता है वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? CPU के कंपोनेंट कौन से हैं? कंपोनेंट इसके आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ये दो ही होते हैं, आर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट एंड आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सिस। विच वन इज डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फॉर द चॉइस बिलो? इसमें से कौन सी डिजिटल डिवाइस है? तो डिजिटल क्लॉक जो है वो डिजिटल डिवाइस में आता है। कंप्यूटर डेट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड वो कंप्यूटर जो एनालॉग फंक्शन भी देता है और डिजिटल फंक्शन भी देता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर। CD-ROM हमारे पास क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क फॉर रीड ओनली, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी। ALU क्या है? ALU हमारे पास आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ALU आर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। VGA क्या है? हमारे पास वीडियो ग्राफिंग अरेंजमेंट है, वीडियो ग्राफिंग अरेंजमेंट, VGA वीडियो ग्राफिक अरेंजमेंट। MSI स्टैंड फॉर द मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VAN स्टैंड फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। MSI एंड VAN वीडिया वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड सुपर फ्रेम? मेन फ्रेम और सुपर फ्रेम, और जो सुपर फ्रेम होता है ना वो फोकस करता है फ्यू प्रोग्राम्स के ऊपर एज फैक्ट एज पॉसिबल, जितना उससे पॉसिबल हो सकता है वो फ्यू प्रोग्राम्स के ऊपर जो है वो फोकस करता है। और जो मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम पावर यूज़ इट्स पावर, अपनी पावर को यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करता है मैनी प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। पीछे हमने पढ़ा कंप्यूटर का फादर कौन है, चार्ल्स बाबा जी, चार्ल्स बेबेगी, या फिर यहाँ पर जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का जो फादर है वो एलन ट्यूरिंग। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस आपको पता है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर ही है, मॉडर्न कंप्यूटर ही है, जो कि एलन ट्यूरिंग इसका फादर है। आगे CPU कंटेंट, पीछे भी इसका ऑप्शन आ सके कि आप जो कहे कि CPU जो है वो कितने उसके कंपोनेंट होते हैं, तो दो ही होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो वो फिर अगेन से आ गया है कंट्रोल यूनिट एंड आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? पीछे भी MCQs आ चुका है, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरेक्शन को जो कंट्रोल करता है, इसमें से कौन सा है? वो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड किया गया था यूजिंग द मशीन मशीन लैंग्वेजेस।
डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है डेट फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर की डिवाइसेस के दरमियान जो शेयरिंग करने की इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो फैसिलिटी है वो कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, वो है नेटवर्क है। अगर हमारे पास नेटवर्क पासवर्ड वगैरह नेटवर्क नहीं होगा, हमारे पास डाटा नहीं होगा, तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास कोडेड इंट्राइज विच आर यूज टू गेन एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और कहते हैं वो मतलब हम जब हम कोई भी पासवर्ड ही होता है ना, वो कोड होते हैं, पासवर्ड होता है वो, नहीं पासवर्ड नहीं होगा हमारे पास तो हम जो है वो कोई भी चीज़ किसी दूसरे का डाटा नहीं ले सकेंगे। घर में हॉटस्पॉट लगी होगी तो उसका पासवर्ड नहीं होगा हमारे पास, तो वो हॉटस्पॉट चल नहीं सकेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कि मिनी कंप्यूटर हमारे पास फास्टर वर्क करते हैं एंड माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास कम काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम। आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय स्टोरिंग देम एक फोल्डर, फोल्डर में बना के हम किस तरह से कर सकते हैं, एक दफ़ा मैं आपको दिखाती भी हूँ कि फोल्डर बना के हम किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 8 क्लास का फोल्डर, 10th क्लास का, 8 ऑर्गेनाइज इन दराज, ये सारी चीज़ों का फोल्डर बने हुए हैं। अगर हम इनको खोलेंगे तो हमारे पास और चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फोल्डर बना के हम जो है वो इन डिवाइसेस को किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं बाई यूजिंग अ फोल्डर। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से ऐसे कॉमन रिसोर्सेज कॉमनली शेयर किए जाते हैं, वो है प्रिंटर्स। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होती है हमारे पास, मॉडर्न, मॉडर्न नहीं मोडेम, मोडेम इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। व्हाट इज द लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, हमारे पास ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अब लाइट पेन इज द ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। UNIVAC क्या है हमारे पास, यूनिवेक। हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज UNIVAC। व्हाट इज लाइट पेन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, UNIVAC इज द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज 1.44 MB, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचज फ्लॉपी डिस्क वाज 1.44 MB। MICR माइकर स्टैंड फॉर द MICR स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनीशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनीशन। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज 1.44 MB, द माइकर स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनीशन। EBCDIC स्टैंड फॉर, EBCDIC से हमने CDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, 8 बाइट डेसिमल स्कीम है ये, जिसका नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरी दफ़ा आ रहा है कि CPU के कंपोनेंट कौन से हैं, उसके पार्ट्स कौन से हैं। पार्ट्स इसके दो हैं, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है और साथ में लॉजिक यूनिट है। ठीक हो गया। आगे है जी, CAD स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज द स्पैम ईमेल, जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज स्पैम ईमेल। CAD स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हैकर्स, हैकर्स को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है, ब्रेक इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर, दूसरे लोगों के कंप्यूटर के पासवर्ड्स को हैक करना और इनके पासवर्ड्स को ब्रेक करना। वट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर का, कंप्यूटर की कौन सी टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इज द कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर इन द क्लाइंट। द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव अ, मीन्स कंप्यूटर कब काम नहीं करेगा, जब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द लाइन स्पेसिंग कहलाता है। ये देखें, ये ऊपर वाले टेक्स्ट और नीचे वाले टेक्स्ट के दरमियान में जो जगह है ना, ये लाइन स्पेसिंग है। ये लाइन स्पेसिंग दी जाती है ना, 14 दी जाती है, 12 दी जाती है, ठीक है, MS वर्ड में होती है, ये लाइन स्पेसिंग दी जाती है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेस। एग्जाम्पल ऑफ
नॉन न्यूमेरिक डाटा इज, अब नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है जो कि नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में होता है। एम्प्लॉय एड्रेस होता है, एक तो एम्प्लॉय एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है और साथ में नंबर होता है, ये तीन जो है वो नॉन न्यूमेरिक डाटा में आता है। एड्रेस जो होता है वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स की फॉर्म में होती है, और उसके बाद जो है नेम जो है वर्ड्स की फॉर्म में होता है। ये तीनों चीज़ें नॉन न्यूमेरिक डाटा में आती हैं, ये जो वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं नंबर की फॉर्म में नहीं होते हैं, उसे हम नॉन न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। वर्ड इज एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या है? द कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम एंड मशीन, जिसमें बहुत बड़ा पार्ट मीन्स के पार्ट ऑफ लार्ज लार्ज सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसमें मशीन्स वगैरह होती हैं, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम द कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम एंड मशीन। वैन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव किया जाता है तो हम उसे नेम देते हैं। लाइक अगर हमने फर्स्ट टाइम किसी कोई फाइल बनानी है और हम उसमें 10th क्लास का मटेरियल वहाँ पर रखना चाह रही हैं, तो हम उस फोल्डर को जो है वो 10th क्लास का नाम देंगे, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी नाम देते हैं, और उसके अंदर उसके रिलेटेड तमाम फाइल तमाम मटीरियल उसके अंदर शेयर कर देते हैं। ठीक हो गया, अगर हमने कोई फाइल बनानी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की केमिस्ट्री का मटीरियल शेयर करने हैं, तो वो सारा हम जो है वो फाइल का नाम देंगे, केमिस्ट्री मटीरियल फॉर द 10th क्लास, तो हम जो है वो उसके अंदर वो नाम देंगे। मीन्स इट मस्ट बी गिवन अ फाइल नेम टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसे हमने कोई ना कोई नाम देना होता है। वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, वेयर आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर, कहाँ पर डाटा और प्रोग्राम स्टोर होता है व्हेन द प्रोसेसर यूज देम, उसकी मेन मेमोरी में स्टोर होता है। अच्छा जी, यहाँ पर वो पूछता है वेयर आर द डाटा, ये तो हमारा हो गया ना। रिप्रेजेंट डैश रिप्रेजेंट द रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? डाटा, डाटा का जो अगर हम देखें ना, डाटा की डेफिनेशन देखें तो वो भी वो डाटा ही, डाटा की डेफिनेशन है, रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है। जबकि एज डैश इज द डाटा मेड मीनिंगफुल, जो कि उस डाटा को मीनिंगफुल बनाता है, वो क्या होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक अगर हम कहें स्विज के नाल, तो स्विज के नाल एकदम कहता है कि हाँ यार स्विज के नाल है, लेकिन अगर हम उसकी इन्फॉर्मेशन सारी दे देंगे तो वो हमारे पास मीनिंगफुल होती है। ठीक है, डाटा रॉ फैक्ट्स, डाटा रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को, जबकि इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है डाटा मेड मीनिंगफुल। अच्छा, व्हाट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मीन्स के रोम, रीड ओनली मेमोरी मेक इज यूजफुल, यूजफुल मीन्स के रीड ओनली मेमोरी को कौन सी चीज़ यूजफुल बनाती है? रीड ओनली मेमोरी जो होती है ना, वो इजीली अपडेट हो सकती है, मीन्स के अपडेट हम वहाँ पे कर सकते हैं। डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल होता है, और इसके लिए किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर हर इंफॉर्मेशन ईजिली अपडेट की जा सकती है। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स डाटा यूज टू फाइंड आउट द वट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स डेटा यूज टू फाइंड आउट द पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर काजेज, वो कौन सा प्रोग्राम है, उस कौन सा प्रोग्राम कहलाता है जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर काजेज, तो वो हमारे पास डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है कंप्यूटर की मिडल लैंग्वेज, और एक होती है हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है, एक होती है मिडल लैंग्वेज वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना वो हमारे पास ये वाली होती है बेसिक कोबाल फ्रंटर। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज के बारे में उन्होंने पूछा, तो वो कौन सी है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता? अब अवेरा दिया हुआ है, कैस्पर स्काई दिया हुआ है, ओरेसल दिया हुआ है, MICFree दिया हुआ है, तो उसमें से ओरेसल जो है वो हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। वट डज DMA स्टैंड फॉर? DMA स्टैंड फॉर द डायरेक्ट मेमरी एसेस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट मेमरी एसेस इज द DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमरी एसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? टेप रिकॉर्डर है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, हमारे पास तीनों के तीनों ही हमारे पास क्या हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ अबव आर द स्टोरेज डिवाइसेस। व्हेन डिड जोहन नेपायर नेपायर व्हेन डिड जोहन नेपायर डिवेल्प लोगार्थम, लोगार्थम कब इसने बनाया था? 1914 में जो है वो जोहन नेपायर ने लोगार्थम को डिस्कवर किया था, बनाया था। ठीक हो गया, MIS इज डिजाइंड, MIS एक डिज़ाइन है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकर। अब MIS जो है ना वो जो हमारे पास इसका अगर हम एप्रीवेशन देखें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपने मैनेजर्स को एक टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए।
वो डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन देता है डेट मीट द मैनेजर रिक्वायरमेंट, मीट द मैनेजर नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर को ये इन्फॉर्मेशन देता है, MIS मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देता है। ASCII स्टैंड फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंजेस, सी ऑप्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Which of the following is the first generation of computer? EDSAC. EDSAC is the first generation of computer. EDSAC is the electronic delay storage automatic calculating. EDA is the electronic delay storage automatic calculator developed by the Britain Cambridge University in 1949 mein. EBM 1401 is the second generation of computer. EBM is the second generation of computer. First generation of computer EDSAC, EDSEC, and second generation of computer is IBM. IBM is the second generation of computer. The chief component of the first generation of computer was computer. First generation ke component kaun se the? Vacuum tubes and valves. The second generation computer was developed during second कब हुई थी सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 1956 से 1965 के दरमियान में। कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन द फर्स्ट जनरेशन में, बहुत ही ज़्यादा लार्ज कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेज, माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए स्विचिंग डिवाइसेज के तौर पर किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में लगाए गए माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में लगाए गए। Which one of following device can be used to directly image printed text? कौन सी इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट है? ORC is the image printed text है। The output quality of the printer is measured by output quality. Printer की output quality किससे measure की जाती है? Dot per inch से, dot per inch। और ORC जो है वो directly image printed text है और dot per inch is the output quality of the printer है, sorry। इन एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट इंफॉर्मेशन नेवर बी कन्वर्टिंग टू डिजिटल फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बोथ सीक्वेंटली एंड पैरेलल, सीक्वेंटली भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। Who designed the first electronic computer ENIAC? Who designed the first electronic computer ENIAC? जे प्रेस्पर इकट एंड जोहन डब्ल्यू माउचले, द सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जे प्रेस्पर इकट एंड जोहन डब्ल्यू माउचले इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन डिजाइन किया था। जे प्रेस्पर इकट एंड जोहन डब्ल्यू माउचले डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी? डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची। पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेनटेन कंप्यूटर रिक्वायरमेंट रेफर टू द पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट मेनटेन एंड कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स रेफर टू द पीपल वेयर। एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। वट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट? ग्लिच। एन एरर इन सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एरर हो जाए तो वो बग कहलाता है। वट इज़ अगर इसका अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन देखा जाए तो वो ग्लिच है। ग्लिच इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन सॉफ्टवेयर। एंड पीपल वेयर है हु डिज़ाइन द प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेनटेन द कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रेफर्स टू द पीपल वेयर। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इन्फ्लाइबल। मॉडर्न कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं बट दे आर नॉट इन्फ्लाइबल। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। वट इज़ द कॉमन नेम फॉर द फॉर सच बोर्ड? पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर नंबर ऑफ चिप्स होती हैं जो कि मेन सर्किट बोर्ड के ऊपर माउंटेड होती हैं। वट इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स? तो उसे हम क्या कहते हैं? मदर बोर्ड कहते हैं। What is meant by dedicated computer? Dedicated computer किसके जरिए बना? Which is designed one and only one task? जिसने सिर्फ एक ही डिज़ाइन को टास्क को असाइन किया। What is meant by the dedicated computer which is assigned only and only one task? The system unit of personal computer typically contains all of the following except. इसमें से जो है वो सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के, पर्सनल कंप्यूटर के यूनिट में कौन सा ऐसा सिस्टम डेट कंटेन ऑल ऑफ, जिसमें ये सब होते हैं इसके के अलावा? तो मोडेम जो है वो इसमें नहीं आता। माइक्रो प्रोसेसर भी है, डिस्क कंट्रोलर भी है एंड सीरियल इंटरफेस भी है।
मीन्स के पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में ये तमाम चीज़ें आती हैं। माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस आता है, और मोडेम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में नहीं आता। कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कम कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम कौन से हैं जो कि इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, वो है कॉम्पिलर। अ स्मॉल एंड इंटेलिजेंस डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज, बस बहुत ही सो कॉल्ड है बिकॉज इट कंटेन्स विद इन अ सेंसर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसर्स होते हैं। स्मॉल एंड इंटेलिजेंस डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज कंटेन विद इन अ सेंसर्स। द फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट, वो फॉल्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज अ बग। द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलरली टू द वायरस विच आर टेकन फ्रॉम 1970s साइंस फिक्शन नॉवल बाय जॉन बर्नर इंटाइटल्ड द शॉक वेव्स राइडर इज वॉर्म। वो कहता है सेल्फ रेटिंग प्रोग्राम जो कि वायरस की तरह के सिंपल होते हैं, वो 1917 साइंस फिक्शन नॉवल बाय नॉवल से लिए गए हैं। कौन सा है? बर्नर इंटाइटल्ड शॉक वेव्स राइडर इज वॉर्म। अनवॉन्टेड रिपीटिशियस मैसेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज द स्पैम। अनवॉन्टेड रिपीटिशियस मैसेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज द स्पैम आ जाएगा। DOS स्टैंड फॉर द डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS स्टैंड फॉर द डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज़ द करंट CEO ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोसॉफ्ट। करंट माइक्रो CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है? सैटिया निडेला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड भी है, माउस भी है, कार्ड रीडर भी है, तो ये ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। ऑल ऑफ दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी, वो हमने देख लिया। आउटपुट डिवाइसेस आर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, पहले भी आ चुका है। ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन रन होते हैं ट्रांसलेट एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। RAM स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पहले भी आ चुके हैं। 1 byte इज इक्वल टू द 8 byte। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये कितनी दफ़ा आ चुका है, 1 byte इज इक्वल टू 8 bytes। BIOS bytes का याद रखने हैं, इधर y आएगा और इधर i आएगा, ठीक है। 8 bytes इज इक्वल टू 1 byte और 1 byte इज इक्वल टू 8 bytes। BIOS stands for the basic input output system। basic input and output system is called the BIOS। father of C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर कौन है? डेनिच रिच। AMC ऑप्शन इज द करेक्ट। द इंस्ट्रक्शन डेट टेल अ कंप्यूटर, वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर बताता है कि हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क, के प्रोसेसिंग टास्क को किस तरह से लेना है, एज रेफर टू एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर रेफर्स प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर डेट टेम्पोरली होल्ड करते हैं डेटे को वेटिंग टू बी प्रोसीड इज मेमोरी, जो कि मैम डेटे को होल्ड करते हैं वेटिंग टू बी प्रोसीड इज मेमोरी। डैश इज द की हु यूज टू रन द सेलेक्टिव कमांड। इंटर, हम इंटर प्रेस करते हैं तो सेलेक्टिव कमांड जो है वो रन होने लग जाती है। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। अगर सेव एज बॉक्स करना हो तो हम F12 को प्रेस करते हैं। डेटा बिकेम वेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट डेट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। वो डेटा क्या बन जाता है जब इसे प्रेजेंट किया जाता है, तो हमने वो प्रेजेंटेशन नहीं लगा देना, वो ये है इंफॉर्मेशन। डेटा बिकेम इंफॉर्मेशन बन जाता है वेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है डेट पीपल कैन अंडरस्टैंड यूज़, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। द टर्म पेरिफेरल डिवाइस होती है, वो टर्म पेरिफेरल डिवाइस होती है जो कि डिजिग्नेट करती है इक्विपमेंट्स को डेट माइट बी एडिड टू अ कंप्यूटर। उन इक्विपमेंट्स को डिजिग्नेट करती है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम में ऐड किए जाते हैं टू इन्हांस इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। वो कौन सी डिवाइस होती है? वो होती है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस
पर्सनल कंप्यूटर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। पर्सनल कंप्यूटर आएगा, पर्सनल कंप्यूटर इज द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइसिंग। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम। रैम जो है वो वेटिंग रूम के तौर पर ट्रीटेड किया जाता है फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर्स। फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर्स अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस डेट कन्वर्ट करती है ड्राइंग प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस को इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड द स्कैनर। स्कैनर के जरिए ही हम जो है वो ड्राइंग प्रिंटिंग टेक्स्ट और अदर इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू द सेंसिटिव डिवाइस कहलाती है स्कैनर। टू इंसर्ट चार्ट इन एम एक्स एक्सेल विथ शॉर्टकट की यूज। एम एक्स एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? ऑल्ट एफ वन। अगर हम ऑल्ट एफ वन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा इन एम एक्स एक्सेल में। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन एम एक्स एक्सेल इज बुक वन। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन एम एक्स एक्सेल इज द बुक वन। मैक्सिमम जूम परसेंट इन एक्सेल। मैक्सिमम जो जूम परसेंट होता है एक्सेल में, जूम परसेंट होता है वो हमारे पास 400% होता है। इन 1997 विच टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन वाज नेम्ड आफ्टर द विकिंग किंग। विकिंग किंग के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन किसने की थी 1997 में, वो कौन सी है? ब्लूटूथ। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं होता इफ इट डू नॉट हैव अ बूट सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। हु इन्वेंटिंग द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर का माउस सबसे पहले किसने किया था? डोगलास एगलबर्ट ने जो है वो कंप्यूटर का माउस किया था, दरियाफ्त किया था, बनाया था। हु इज़ द फादर ऑफ एम एस वर्ड का फादर कौन है? चार्ल्स सिमिनॉय एंड रिचर्ड ब्रॉयड। चार्ल्स सिमिनॉय एंड रिचर्ड ब्रॉयड इज द फादर ऑफ एम एस वर्ड। विच फीचर स्टार्ट करता है एक न्यू लाइन को? कौन सा ऐसा फीचर है जो कि न्यू लाइन को स्टार्ट करता है? वेन यू, जब कभी भी अ वर्ड और सेंटेंस रीच अ बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर पर पहुंच जाए तो टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सेपरेट शीट। कंप्यूटर सेपरेट शीट का एलिमेंट इंटरफेरेंस का कौन सा है? पेंसिल वर्क है, मतलब कि एक्टिव सेल भी नहीं है, मेन्यू बार भी नहीं है, वर्क बुक भी नहीं है, ये हमारे पास कौन सा है? पेंसिल वर्क इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सेपरेट शीट इंटरफेरेंस। अब हमारे पास इन एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की इज यूज फॉर हाइडिंग रो। किसी भी रो को हाइड करना हो तो हम कौन सी की ही यूज करते हैं? Ctrl 9। Ctrl 9 को यूज करके हम किसी भी शो की को जो है वो रो को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल बार इन एम एस एक्सेल डिस्प्ले द नेम ऑफ द वर्कबुक। टाइटल बार इन एम एस एक्सेल, एक्स एम एस एक्सेल में कौन सा टाइटल बार डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द वर्कबुक? टाइटल बार इन एम एस एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ वर्कबुक। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉमल एंड रो, कॉलम एंड रो कॉल्ड द एक्सेल इज कॉल्ड अ सेल। व्हाट इज द इंटरसेक्शन, कौन सा इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो कॉल्ड द एक्सेल? तो वो कुछ एक सेल होता है जो कि कॉलम में भी होता है और रो से रो में भी होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सम फंक्शन इन एक्सेल? सम फंक्शन का एक्सेल क्या है? टू एड अप अ रेंज ऑफ सेल। टू रेंज ऑफ सेल को हमने क्या करना है? पूरी रेंज ऑफ सेल को हमने क्या कर देना है? एड अप कर देना है। द इन असम्बली लैंग्वेज, असम्बली लैंग्वेज में मैंने पहले बताया ना, एक होता है हमारे पास जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होता है, एक असम्बली जो मिडल लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल की लैंग्वेज होता है। और असम्बली लैंग्वेज होती हैं मिनिमल लैंग्वेज होती हैं और वो लैंग्वेज हाई लैंग्वेज यूज होती है। इन असम्बली लैंग्वेज में सैम्बल्स आर यूज किए जाते हैं इंस्टीड ऑफ बाइनरी कोड के अलावा। बाइनरी कोड को हटके जो है वो सिम्बल जो यूज किए जाते हैं असम्बली लैंग्वेज में, सिम्बल्स आर कॉल्ड द मैनीमोनिक्स कहलाते हैं। मैनीमोनिक्स कहलाते हैं, वो कौन से सैंपल कहलाते हैं? मैनीमोनिक्स। विंडो 9 मेन फीचर, विंडो 9 तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई, ठीक हो गया। CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इन अ कंप्यूटर स्प्रेड शीट सम एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस ही हैं, मीन्स कि सम फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन, मिनिमम का, मैक्सिमम का, तो ये सब क्या है? फंक्शंस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फाइल हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ सेक्सल्स एक्सेल्स। द इन एक्सेल कॉलम्स, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज ए बी सी। इस तरह से तरतीब से लेबल्ड होते हैं, 1 2 3 नहीं होता है, ए बी सी। वो जो कॉलम्स होते हैं ना, ये ए की रो है, ये बी की रो है, ये जो है ए की रो है, उसके बाद जो रो शुरू होती जाती है बी की है, फिर सी की है, उसके बाद डी की आ जाती है। कॉलम एक्सेल में इस तरह से लेबल होते हैं। व्हाट इज़ द सेल इन एक्सेल, एक्सेल में जो सेल होता है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ द डाटा, डाटा का यूनिट होता है।
वट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। सबसे छोटा जो होता है वो 8 होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो 72 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज हो गया। अ प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इंटरप्रिटेड करता है इंटरप्रिटर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन क्या है? एक्सेल 2021 है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सेक्शन इन एक्सेल? हाईलाइटेड सेक्शन इन एक्सेल जो है वो हमारे पास कंट्रोल 5 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 शॉर्टकट की इज द एक्सेल जो है वो फॉर्मेट नंबर इन अ कॉमा फॉर्मेट। फॉर्मेट नंबर इन अ कॉमा फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 जो है वो शॉर्टकट ही है जो प्रेस करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेट नंबर इन अ कॉमा फॉर्मेट में चले जाते हैं। डिफॉल्ट नेम ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड एम एस वर्ड फाइल इज डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एम एस वर्ड फाइल। शॉर्टकट कंट्रोल एच शॉर्टकट की इज यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ओपन फाइंड एंड रिप्लेस। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद अट्रैक्टिव, वो क्या कहते हैं कि ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ठीक हो गया। ये क्या है? शॉर्टकट की है फॉर द कंट्रोल एच। कंट्रोल एम शॉर्टकट की इज यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट वट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एंड करके हम न्यू डॉक्यूमेंट कर लेते हैं।